So friends, last time we have started with the production technology, cultivation aspects, cultivars, varieties, different methods and systems of planting of mango. So in this connection, today we are going to see what are different training as well as pruning methods leading to our production technology of mango. So जब हम training और pruning के बारे में सोचते हैं तो पहले तो हमने थोड़ा सा था कि मैंगो में डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ प्लांटिंग रहती है, जैसे कि स्क्वायर सिस्टम हो गया, रेक्टेंगुलर सिस्टम हो गया, हेक्सागोनल सिस्टम हो गया, क्वीन कुंस हो गया, कंटूर हो गया। तो ये डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ प्लांटिंग मैंगो में अवेलेबल है। तो ज़्यादातर ये स्क्वायर सिस्टम ऑफ प्लांटिंग अवेलेबल है क्योंकि ये वेरी ईजी टू ले आउट रहता है और नॉर्मल टाइप के सॉइल में हम ले सकते हैं और मतलब जो कि प्लेन लैंड है उसमें हम ले सकते हैं, क्योंकि कुछ एलिवेटेड वगैरह लैंड है तो उसके लिए हमें थोड़ा जैसे कि कंटूर सिस्टम है। तो यहाँ पे दिया है स्क्वायर सिस्टम, इट इज़ वेरी पॉपुलर मेथड्स ऑफ प्लांटिंग फॉर मैंगो। ओके, सो ये हो गया तो कन्वेंशनल और ट्रेडिशनल प्लांटिंग। तो कन्वेंशनल मेथड पे आज तक कितना स्पेसिंग लगा के प्लांटिंग किया गया? तो एक तो उन्होंने 10x10 कॉमन, ये आपको पता है मीटर, तो ये तो ड्राई जोन में ज़्यादातर यूज हो गया। और दूसरा एक स्पेसिंग भी यूज किया जहाँ पे जैसे कि ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल एरिया स्पेशली जहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा रहता है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है, ऐसे एरिया में मैंगो का कैनोपी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उसके ब्रांचेस स्पेशली ड्यूरिंग द रेनी सीजन इन मानसून रेन्स। सो देयर विल बी रेजुरेंट ग्रोथ फॉर द ब्रांचेस, सो वेजिटेटिव ग्रोथ विल बी मोर, सो देयर वी नीड टू कीप समवॉट मोर डिस्टेंस, दैट इज 12x12 मीटर। सो फॉर तो दिस टू आर कन्वेंशनल और ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ प्लांटिंग इन केस ऑफ मैंगो। सो अदर मेथड ऑफ प्लांटिंग एंड यूज ऑफ डिफरेंट स्पेसिंग, इसमें एक तो मेथड है, दूसरा एक है जो हम उसको बोलते हैं हाई डेंसिटी प्लांटिंग। सो देर आर टू मेथड्स इन दिस ऑल्सो, हाई डेंसिटी प्लांटिंग एंड वन अदर टाइप दैट इज अल्ट्रा हाई डेंसिटी प्लांटिंग। सो हाई डेंसिटी प्लांटिंग कैन बी कॉल्ड पर्टिकुलरली फॉर वेन वी आर प्लांटिंग विद डिस्टेंस 5x5 मीटर और समटाइम दिस इज रेक्टेंगुलर 5x3 मीटर, 5x2.5 मीटर और 3x2.5। Okay, so exactly 5x5 meter, it can come under high density planting. और हमने उसे और भी ज़्यादा reduce किया, तो ये very clear from the word, और भी ज़्यादा reduce किया मतलब मान लो ये 2.5x2.5 meter है, exactly ultra high density planting हो गया, मान लो 5x5 high density planting हो गया और 2.5x2.5 मीटर अल्ट्रा हाई डेंसिटी प्लांटिंग हो गया और 3x2 meter ये भी यूज किया। ये डिफरेंट स्पेसिंग है, ये जा के एक्सपेरिमेंट हो गए मैंगो के, जैसे कि IRI न्यू दिल्ली है, ओके, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी गोविंद पंत, दैट इज पंतनगर यूनिवर्सिटी है उत्तरांचल, तो यहाँ पर भी कुछ एक्सपेरिमेंट हुए, वहाँ उन्होंने डिफरेंट स्पेसिंग यूज किए डिफरेंट वराइटी में, जैसे कि अल्फांसो, दशहरी, डंगरा, चौसा, ये सारी वराइटी में एक्सपेरिमेंट हो गए, अमरपल्ली में हो गए। तो अमरपल्ली में एक एक्सपेरिमेंट हो गया एट IRI न्यू दिल्ली, वहाँ पे उन्हें 2.5x2.5 meter स्पेसिंग दे यूज एंड दे यूज दिस ट्राइंगुलर मेथड ऑफ प्लांटिंग। सो ट्राइंगुलर मेथड ऑफ प्लांटिंग दे गॉट सक्सीड फॉर एकोमोडेटिंग 1600 नंबर ऑफ ट्रीज पर हेक्टर and with this they got the yield of around 18 to 20 tons per hectare as compared to conventional or traditional method which previous yield performance was around 7 to 8 tons per hectare at same place at same research institute. So this was the effect of variety as well as effect of reduced spacing.
that is ultra high density planting. So this experiment was conducted at IRI New Delhi. So one other experiment was conducted with the variety Dasheri. So this was conducted at University of Agriculture and Technology, Pantnagar. So with the help of variety Dasheri, so they taken the spacing of 2.5 into 3 meter by accommodating 1,333 plants per hectare. So here also they got the very good yields as compared to traditional or conventional method of planting. So here they use some different pruning techniques also in order to maintain the canopy of plants. So in that dehorning or de-shooting or tipping. So such techniques they use. So these techniques are nothing but to remove the immature shoots. So in order to promote the growth of mature shoots in case of mango, and these mature shoots are helpful for producing the floral fresh in the this coming month after this dormancy breaking, means in the month of December and January. So for in mango, what is happening in mango cultivation, especially in case of tropical as well as subtropical area, so where there is heavy rainfall during this June, July, August, September monsoon season, so there will be luxuriant growth for the vegetative growth of the branches, and there will be mature shoots. So for getting shoots ready in order to they should get ready for the flowering, the shoot should be of the age of more than four month old. So which shoots or new vegetative fleshes are coming in the month of June, they are getting mature enough till this December. So around around 7 months old shoots. So these 7 month old shoots are definitely ready for getting a new floral flush on this mature vegetative flush. So this is typical tendency in case of mango. So is there any new shoots in the month of December or January on mango tree? So it will not give flowering surely. So it will go for new vegetative growth. And if we tried or any technique such as pinching or a tip, thinning of tips or dehorning, such techniques are there, means removal of this new growing fleshes in the month of December or January, which are new growing fleshes are there that we need to remove. So which are left, that is mature shoots. So they are ready for producing these new floral fleshes. So aise kabhi jab aa jate hai new shoots agar aa jate hai us mahine mein jahan hum expect karte hai floral fleshes aana, jahan pe vegetative flush aa gaye to unko remove karna hai, to ye wo kya karega, aapke इसको फ्लोरल फ्रेशेस को इंक्रीज करेगा, पर वो भी एक परसेंटेज है उसका, 50% से ज्यादा भी आप रिमूव नहीं कर सकते, तो उसका भी कुछ टेक्निक है, वो भी हम पढ़ेंगे इसमें। तो ये ट्रेनिंग प्रूनिंग में क्या है, कन्वेंशनल सिस्टम मैंगो नीड्स नो रेगुलर प्रूनिंग, ओके, इन ट्रेडिशनल सिस्टम 10 into 10 or 12 into 12 वी कैन नॉट गो फॉर रेगुलर ट्रेनिंग एज वेल एज प्रूनिंग, स्पेशली प्रूनिंग, ओके, but removal of dead and diseased branches it is very common. So young plants should be trained properly to have the proper framework. So young plant means when you are planting the graft, so obviously there is some care and maintenance, then how to maintain the shoots, all these things comes in that we are going to see next slide. So modern system of planting training and pruning, these operations are very essential as well as compulsory. So modern system means basically ultra high density or high density planting. So first, so these techniques, canopy management, so especially these are for, so nowadays because of land scarcity, people are not planting this
mango with conventional spacing, that is 10x10 or 10x10. Obviously, people are reducing the spaces. Okay, तो कोई तो जगह के हिसाब से 8x8 भी कर सकता है, 7.5 भी कर सकता है into 7.5, कोई तो 5x5 भी कर सकता है. तो क्या हो गया ये थोड़ा सा, because of scarcity of land. So obviously, if they are accommodating more number of trees on particular area, then they need to go for canopy management. Otherwise, if their natural growing canopy, though both canopy will intercept with each other, both tree canopy side by adjacent, and it will give problem in fruit production, later flowering, everything will be problematic. So canopy management is must. So this is the recent trend, canopy management, and it is very essential as well as very important trend if we want the proper flowering as well as fruiting and fruit set. So this trend is very compulsory in all the fruit crops, not only in case of mango, and this is very important trend. Okay, so canopy management, it will be done with aim of to a strong framework having the branches in all the direction. So in these two branches we need the equal distance between the branches. So developing the canopy with open center, so center should be open in order to get the better exposure of sunlight. So need the better exposure of sunlight for this proper photosynthesis procedure. Okay, so if there are development of proper photosynthesis and everything, the plant will be very capable as well as it will move towards early flowering. So controlling the status or size of the plant to harness the maximum productivity. Okay, so hame aisa plant ki size banani hai जहाँ वो मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी हमें दे सके और हमें हार्वेस्टिंग कल्चरल कल्टीवेशन या ऑपरेशन करने में भी आसानी हो. सो ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग, सो यहाँ पे व्हाट वी नीड टू डू, स्प्राउट्स फ्रॉम द रूट स्टॉक एंड वेरी लो लेइंग ब्रांचेस नियर टू द ग्राउंड आर रिमूव्ड इन द इनिशियल ईयर्स ऑफ ग्राफ्ट एस्टेब्लिशमेंट. जहाँ पे हम नया ग्राफ्ट लगाते हैं तो रूट स्टॉक से जो भी कुछ नए शूट्स वगैरह आ जाते हैं तो उनको ऑब्वियसली हमें कट करना है, उनको मेंटेन नहीं करना है. जो भी कुछ नए शूट्स आएंगे फ्रॉम साइन स्टिक, उन्हीं को मेंटेन करना है क्योंकि वो साइन स्टिक डिजायर्ड वैरायटी से होता है. रूट स्टॉक कोई भी ऑफ टाइप रह सकता है तो उसका हमें ब्रांच मेंटेन नहीं करना है, इसलिए उनको हमेशा अगर कोई ऑफ शूट आता है तो उसको रिमूव करना है. ट्रेनिंग ऑफ द यंग प्लांट्स टू डेवलप अ गुड फ्रेमवर्क फॉर द ट्री विथ well spaced branches. Okay, so we need well spaced branches, there should be proper distance between two branches. So in order to we need to maintain the proper number of branches on the tree, so there should not be excess load. If there is excess load on the tree, so there will be obviously uptake of nutrients as well as food reservoirs and all material carbohydrates will be more for development of this vegetative growth. Okay, so this will create problem for proper flowering, or it will be late, or it will be delayed, or it may not come also. So that is the reason. Also, these all things comes under from maintaining proper carbon nitrogen ratio. That is carbon nitrogen ratio. It is very important. So for proper flowering as well as fruiting, we need around 3:2, that is carbon nitrogen ratio, as well as level of hormones. So these things already explained in previous class. Level of hormones in that, so gibberellins level, if there are excess, means there will be luxuriant vegetative growth. So we need proper auxins, cytokinins, ethyrrels, and abscisic acids to develop more in the shoots as well as leaves. Okay, as well as there should be proper percentage of carbohydrate, proper number of leaves on the branches in order to develop the proper photosynthesis procedure. So these all things will be helpful for proper flowering. So thereafter, overlapping, then some branches are overlapped, intercrossed, then this is the branches, dead branches or some of the weak branches. So those should be removed after their harvest, after the harvest of these fruits. Okay, so as you know, mango is evergreen and it requires the light pruning only. Okay,
so you cannot go for heavy pruning. So it is evergreen tree. So especially it is originated from tropical part. Okay, and it is light pruning only. So if, because the fruits are coming on these mature shoots only, if you go for excessive pruning means you will waste your shoots which are going to give you floral flush or these flowering or panicles, inflorescence. So that you need not waste. Usko waste mat kijiye aap. Okay, so light pruning karna hai aapko. Jyada heavy pruning nahi karna hai. So aap proper fruiting dene wale branches ko waste karoge. Aisa aap mat karo. So favorable effect of pruning, intensity on mango, as well as this light interception. Matlab light ka kya effect rehta hai pruning ke intensity pe. Matlab maan do pruning kitna aapne kiya, 50% kiya, 75% kiya. To उनको जो एवरेज है 50% वो अच्छा लगा उनको, 75% वो भी हार्मफुल है, अगर कम करते हैं वो भी आपको कम यील्ड देता है. तो एक लेवल में करना है, बैलेंस में करना है. सो लाइट इंटरसेप्शन एज वेल एज क्लोरोफिल कंटेंट ऑफ लीव्स, इट इज स्टडीड बाय सम साइंटिस्ट, एज वेल एज ग्रोथ पैरामीटर्स, फ्रूट यील्ड, यील्ड एज वेल एज फ्रूट कलर्स, एज वेल एज रेगुलेटरी ऑफ बियरिंग. सो प्रूनिंग का इस डिफरेंट पैरामीटर्स पर क्या इफेक्ट होता है वो डिफरेंट साइंटिस्ट ने स्टडी किया और प्रॉपर कुछ मेथड या टेक्निक ऑफ प्रूनिंग दे हैव स्टैंडर्डाइज और रिकमेंडेड फॉर मैंगो कल्टीवेशन. सो दिस टू साइंटिस्ट पांडे एंड सिंह दे हैव रिपोर्टेड अल्टरनेट प्रूनिंग मेथड. अल्टरनेट मीन्स दिस ईयर वन ईयर गैप. ओके, सो यू नीड टू डू प्रूनिंग बाय कीपिंग वन ईयर गैप बिटवीन टू प्रूनिंग्स. So for in case of Amrapali variety. So here this one proper canopy management in young trees for mango. So here there is a technique, that is when you are planting the young drops, so what we need to do in order to maintain the this training procedure. So earlier for developing the proper frame structure or to give the correct this frame structure, to create correct frame structure of the plant, we need to give training. And later, once that frame structure is established, we need to go for this pruning techniques. So how we will maintain the branches, other branches. So pehle ye hame kaise karna hai, so different steps are there. So allow the graft to grow to a height of 1 meter from the ground. So any graft when you are planting in the orchard or at the pit, you need to grow up to the height of 1 meter. So after that, what you need to do, head back the graft at 60 to 70 centimeter from the ground during October, November to induce the primary branches. So once you taken this deheading or decapiting, you need to grow, you need to cut at the height of 60 to 70 centimeters. Okay, in the month of October and November. So there should be smooth as well as sharp cuts should be there with the help of secateurs. So heading back, it will result in the formation of new primary branches. So after once you given heading back, there will be the formation of new primary branches. So those primary branches will be 3 to 7 in number during the month. It will produce during the month March. Sir, what is heading back? Hello. Sir, what is heading back? Heading back. So heading back, it is nothing but just to cut the stem. Suppose this plant is growing up to 1 meter height. So you need not to maintain that 1 meter height. You need to cut because there will be single stem at the early stage of growth. You need to cut that single stem at the height of 60 to 70 centimeters. So here it is shown in this side pictures. So at 70 centimeters, they have given cut. So here there is gap, that is above portion they cut it 30 centimeter, they have excluded, it is not required. So from this 60 to 70 centimeter what we cut, so you will get the new primary shoots. So there will be development of new primary shoots on this main stem. So those will be 3 to 7 in number during the month March to April. So what you need to do, prune the excess branches and allow only 3 to 4 branches in all the direction on this main this stem. You need to maintain around 3 to 4, even though it came 7, you remove those excess branches. Jo jyada branch hai wo aap remove kijiye 3 to 4
ब्रांचेज आप मेंटेन कीजिए यहाँ पे, तो उनको आप क्या बोलेंगे, प्राइमरी ब्रांचेस। ये 3 to 4 हो गए प्राइमरी ब्रांचेस, ये मेन स्टेम हो गया, उस पर 3 to 4 प्राइमरी ब्रांचेस हो गए। सो प्रून द प्राइमरी ब्रांचेस, अगेन यू नीड टू प्रून द प्राइमरी ब्रांचेस एट 60 to 70 सेंटीमीटर सेम वे। सो हियर इट विल ग्रो न्यू प्राइमरी ब्रांचेस। ओके, अगेन यू नीड टू कट एट 60 to 70 सेंटीमीटर। ओके, सो ये प्रोसीजर कब करेंगे, 7 to 10 मंथ आफ्टर द फर्स्ट कट, प्रेफरेबली ड्यूरिंग, सो दिस सेकंड कट विल बी ड्यूरिंग अक्टूबर टू नवंबर मंथ। सो दिस विल बी योर, तो ये हो गया प्राइमरी, ठीक है, प्राइमरी 60 to 70 सेंटीमीटर आपने ग्रो किया, 60 to 70 सेंटीमीटर हाइट पे आपने कट ले लिया। ओके, 3 to 4 हो गए, सो ये आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर तैयार हो गया। सो थिन द ओके, तो यहाँ पे क्या क्या करना है, 60 to 70 सेंटीमीटर हाइट पे आपने कट कर लिया, 7 to 10 मंथ आफ्टर द फर्स्ट कट ड्यूरिंग दिस अक्टूबर नवंबर। सो इट विल अलाउ द ग्रोथ ऑफ न्यू ब्रांचेस अगेन ऑन दिस प्राइमरी स्ट्रक्चर, सो दोज विल बी सेकेंडरी ब्रांचेस। ओके, सो इन दिस सेकेंडरी ब्रांचेस वॉट वी नीड टू डू, वी नीड टू कीप ओनली 2 or 3 सेकेंडरी ब्रांचेस एंड अगेन एक्सेस शूट्स वी नीड टू रिमूव। सो देर विल बी 1 प्राइमरी स्ट्रक्चर, अगेन देर विल बी सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ओके, सो इन दैट सेकेंडरी स्ट्रक्चर यू नीड टू कीप ओनली, अगेन देर मे बी सो मेनी ब्रांचेस कैन कम, 5, 6, 10 नंबर्स, तो 2 ही 3 उसमें मेंटेन कीजिए, एक्सेस ब्रांचेस आप रिमूव कीजिए। ओके, सो ये 2 या 3 सेकेंडरी ब्रांचेस हो गए, उसमें फिर से आप हर एक ब्रांच को 2 या 3 टर्शरी ब्रांच मेंटेन कीजिए। ओके, सो टर्शरी ब्रांचेस 2 or 3 कैन बी ऑब्टेन अगेन बाय प्रूनिंग द सेकेंडरी ब्रांचेस एट 60 to 70 सेंटीमीटर हाइट। सो ये ऐसे, तो ये इसमें 3 स्ट्रक्चर बन जाएगा, पहले प्राइमरी टायर बनेगा, सेकेंडरी टायर बनेगा और टर्शरी, मतलब 3। क्लियर है ये, कुछ इसमें दिक्कत है समझने में थोड़ा सा? नो सर, नो प्रॉब्लम। हाँ, ये वेरी इजी है, आप सिर्फ एक ये है कटिंग कहाँ पे देना है, योर कटिंग अबाउ द रिंग ऑफ बर्ड मे रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ बिग क्रॉचेस। सो यहाँ पे क्या दिया है, अबाउ द बर्ड, आपको अबाउ द बर्ड कट, जस्ट अबाउ द बर्ड आपको कट नहीं, बर्ड मतलब ये जहाँ पे नया पीटीओल स्टार्ट होता है लीफ का। ओके, तो यहाँ पे आप मत कीजिए, जस्ट अबाउ द बर्ड मे रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ वीक क्रॉचेस प्रॉन टू ब्रेकिंग ऑफ ब्रेकिंग ड्यूरिंग स्टॉर्म एज वेल एज हेवी हेवी बियरिंग। सो बिलो द रिंग ऑफ बर्ड, सो दिस इज 1 रिंग ऑफ बर्ड, this is the ring of bud, so you need to give the cut below the ring of bud. Below the ring of buds, the leaves are more spaced out along the trunk, so an inch below the ring of bud is the correct. Okay, so inch, so suppose this is the ring of jahan se shuru hota hai branches, so 1 inch below this, so that we will be exact correct, यहाँ पे आप कट ले सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन है ये, सो यंग सीडलिंग्स ऑफ 1 meter हाइट विथ कट गिवन बिलो दिस रिंग ऑफ बर्ड, सो बिलो रिंग ऑफ बर्ड या 1 inch बिलो द रिंग ऑफ बर्ड, ये रिंग ऑफ बर्ड हो गया और बिलो 1 inch इन्होंने कट दिया है, तो ये बोल रहे हैं ये करेक्ट प्लेस है जहाँ पे हम कट ले सकते हैं, ठीक है। सो कैनोपी मैनेजमेंट नेक्स्ट है, कैनोपी मैनेजमेंट इन बियरिंग ट्री, तो ये तो हो गया पहले यंग या ग्रोइंग ग्राफ्ट का, बियरिंग ट्री में कैसे करेंगे, सो इट मे नॉट नेसेसरी टू प्रून द ट्री एवरी ईयर, सो मैंगो ट्रीज नॉर्मली रिस्पॉन्ड प्रूनिंग बाय सेंडिंग आउट सम वेजिटेटिव फ्लैशेस। ओके, सो आपने प्रून किया तो क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा वेजिटेटिव फ्लशेस वो प्रोवाइड करेगा। ओके, सो यूजुअली द हेवियर प्रूनिंग विल ग्रीव द मोर नंबर ऑफ एंड न्यूमरस नंबर ऑफ फ्लशेस। ओके, तो ये तो ये है, मतलब अगर पहले वाला आपका फ्लश अगर मैच्योर है और वो हो रहा है तो आपको फ्लोरल फ्लश मिलेगी, नहीं तो अगर पहले वाला फ्लश पहले वाले स्टेम अगर इमेच्योर है
और आप उस पर जो कुछ नए आ रहे हैं शूट्स, ठीक है, वो अगर आपने छाट लिए तो उसका कोई इफेक्ट नहीं है, उसको कोई फ्लावरिंग नहीं मिलेगा। आप मैच्योर शूट सिलेक्ट कीजिए और उसमें से जो नए फ्लश आते हैं उसको आप काट लीजिए, तो आपको वहाँ पे और करेक्ट टाइम में आप काटे, मतलब मान लो थोड़ा सा इसके जो डोरमेंसी सीजन है मान लो नवंबर या नवंबर के स्टार्टिंग में आप उसको काटे हो तो आपको ये मिलने की संभावना अच्छा होती है। तो ये क्या है, प्री फ्लावरिंग हो गया। सो देयर आर टू पीरियड्स व्हेन प्रूनिंग कैन बी टेकन अप। सो फर्स्ट प्रूनिंग कैन बी टेकन अप इमीडिएटली आफ्टर द हार्वेस्ट, सेकंड प्रूनिंग कैन बी टेकन अप प्री फ्लावरिंग, ठीक है। सो फर्स्ट प्रूनिंग आफ्टर द हार्वेस्ट, सो फर्स्ट प्रूनिंग शुड बी डन इमीडिएटली आफ्टर द हार्वेस्ट। So immediately after the harvest and should be completed till the end of June or July. So it includes क्या होगा हार्वेस्ट के बाद हम जो प्रूनिंग करते हैं उसमें क्या इंक्लूड रहेगा, रिमूवल ऑफ लो हैंगिंग ब्रांचेस, इट इज नोन एज स्ट्राइकिंग। सो ये कुछ टर्म्स है स्ट्राइकिंग। सो इट फैसिलिटेट्स द ऑपरेशन सच एज फर्टिलाइजर एप्लीकेशन एंड कंट्रोलिंग ऑफ वीड्स। सो इसके आप साथ आप फर्टिलाइजर दे सकते हैं, कंट्रोल ऑफ वीडिंग भी कर सकते हैं। देन नेक्स्ट उसमें क्या हो गया, एक उसमें ओपनिंग अप कर सकते हैं। ओपनिंग अप में क्या हो गया, रिमूवल ऑफ ब्रांचेस इनसाइड द ट्री विथ क्रिस क्रॉस, ओके, विच आर गोइंग क्रॉस ओवर और क्लटर अप और सेंटर ऑफ द ट्री विच रिस्ट्रिक्ट द पेनिट्रेशन ऑफ स्प्रेड्स। मतलब जो सेंटर पे बहुत से ज्यादा ब्रांचेस की भीड़ जमा हो जाती है उसमें से एक या दो बड़ी वाली ब्रांचेस, सो वन और टू अपराइटली ग्रोइंग ब्रांचेस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ट्री कैन बी रिमूव्ड टू रिड्यूस द ट्री हाइट सिग्निफिकेंटली। तो रिड्यूस ट्री हाइट की लेंथ रिड्यूस करने के लिए आप ये कर सकते हो, उससे ट्री की हाइट भी रिड्यूस हो जाएगी। बाद में क्रिस क्रॉस ब्रांचेस, जो ब्रांच एक में के ऊपर क्रिस क्रॉस हो जाते हैं तो इससे क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में दिक्कत हो जाती है, एयर सर्कुलेशन में दिक्कत हो जाती है, तो ये भी ब्रांचेस आप रिमूव कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें क्या करेगा, इट विल इंक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट इनसाइड द कैनोपी फॉर बेटर फोटोसिंथेसिस। सो ड्यूरिंग द रिमूवल ऑफ ब्रांचेस द फर्स्ट कट शुड बी गिवन ऑन द लोअर साइड ऑफ ब्रांच सो दैट स्मूथ कट इज पॉसिबल, सो विच अवॉइड इट विल अवॉइड द बार्क स्प्लिटिंग इन बेयरिंग मैंगो ट्री नॉट मोर देन 25% ऑफ बायोमास। सो यहाँ पे 25% biomass you can remove in bearing mango tree. Okay. So otherwise, it will result in excessive vegetative growth. Okay. With reduced flowering shoots. Okay. So ये भी आपको ये technique है और ये skill का job है। तो 25% से ज़्यादा जो मतलब productive tree है, जो bearing tree है, जो इस साल में बियरिंग के लिए आएगा ही, तो उसका ये करने के लिए आपको खास ध्यान रखना, 25% से ज़्यादा बायोमास आपको रिमूव नहीं करना है। तो ये ज़्यादा एक्सेसिव, अगर आपने सही करेक्ट परसेंटेज में रिमूव किया तो फ्लावरल फ्लशेस आपको पैदा करेगी। सो हाइजीन भी मेंटेन करनी है इसके साथ। सो इन्वॉल्व द रिमूवल ऑफ एनी डेड और डिसीज ब्रांचेस विच विल गिव एनी सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। देन सेकंड प्रूनिंग और प्री फ्लावरिंग, ओके। सो सेकंड प्रूनिंग मे बी टेकन अप इन द मिडल ऑफ दिस डिसेंबर, ओके, इफ द टाइमिंग इज राइट, इट इज फॉलोड बाय फ्लोरल फ्लशेस रादर देन द वेजिटेटिव फ्लश, ओके। सो ये आपने करेक्ट सही ब्रांच सिलेक्ट करके किया है तो आपको फ्लोरल फ्लशेस देगा। सो सेकंड प्रूनिंग शुड बी कंप्लीटेड इन वेरी शॉर्ट पीरियड, नॉट एक्सीडिंग 2 वीक से ज्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए। तो इसमें भी आप क्या कर सकते हो, स्ट्राइकिंग कर सकते हो। इसमें क्या है, लो हैंगिंग ब्रांचेस यू कैन रिमूव, सो विच आर कमिंग ऑन द ग्राउंड इट विल बी रिमूव्ड। सो ओपनिंग अप व्हाट यू कैन डू, ट्विग्स, देन डिसऑर्डरली ब्रांचेस इनसाइड द ट्रीज कैन बी रिमूव्ड टू हैव द ओपन कैनोपी।
So this, it will facilitate the proper spray penetration for better insect as well as pest disease control. So as well as light, proper light penetration, as well as when fruit development stages, so you need proper sunlight. So in order to develop the proper color pigments to get the proper color to the fruit, as well as some quality parameters, some development of some glycosides inside fruit, which will decide the quality of fruit. Okay. So tip pruning. So tip pruning with the so it is very useful, helpful. So had a vegetative flush just prior to flowering. So where there is excess vegetative growth, you can go for tip pruning. Tip pruning matlab kya hai? Pehle hi bata diya. So young flushes, excess. अगर मान लो आपको फ्लोरल फ्रेशेस के बजाय आपको न्यू यंग वेजिटेटिव फ्लश मिल रहे हैं, तो इसको वहां तक आप कट कीजिए जहां तक आपको मैच्योर फूड नहीं मिल जाए. ओके, मतलब लास्ट सीजन वाली जो ग्रोथ है या जो कोई 4-5-6 महीने वाली ओल्ड है, उधर से आप काट लीजिए, तक काट लीजिए. इसको आप क्या बोलेंगे? टिप प्रूनिंग. क्योंकि मैंगो तो करंट सीजन पे फ्लोरल फ्लश या फ्लावरिंग नहीं देने वाला है, उसको तो ओल्ड शूट लगेंगे या मोर देन 3-4 मंथ ओल्ड. सो ओल्ड वुड आपको जहाँ तक मिल जाए उधर तक उसको काट लीजिए, एंड रिजल्ट इट विल डेवलप इनटू. सो आफ्टर दैट इट कैन प्रोड्यूस सम फ्लोरल फ्लशेस आफ्टर दैट. सो टिप प्रूनिंग विल रिड्यूस द साइज ऑफ ट्री. ओके, सो हाइजीन कैन बी टेकन, सो टू अवॉइड एनी इन्फेक्शन, डेड डिसीज ब्रांचेस कैन बी रिमूव्ड बिफोर फ्लावरिंग. So here also some other techniques are there. Just I'm highlighting these techniques. I'm not going very detail in this. So canopy management through some chemicals in bearing tree. So chemicals, yeah, जैसे आपने पहले पूछा, कुछ alternate variety या irregular variety होती है, जैसे कि केशर है, अल्फांसो है, इसमें हम regular bearing कैसे कर ले? तो जो scientist है उन्होंने एक growth retardant है जिसको साइंटिफिक टर्म में पैक्लोब्यूट्रिजॉल बोलते हैं, या ट्रेड नेम में कल्टार बोलते हैं, बोल्टार बोलते हैं, और भी कुछ नेम है उसके ट्रेड नेम में. तो ये आता है पैक्लोब्यूट्रिजॉल, उसका इस्तेमाल बताया वो अगस्त जून या जुलाई के इसमें करना है. सो प्रूनिंग द फ्लावर्ड और वेजिटेटिव शूट्स. हेलो, हाँ हाँ बोलिए. Sir, we have only less than 1 minute. Yes. Okay, we'll start next section. Okay. So I'm stopping here. Again, you can start.